जय हिंद। पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए कृपया डीके यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हसन निसार साहब, आप किस तरह देखते हैं सर, क्या करने की जरूरत है? क्योंकि कई नौजवान हैं जो आपको सुनते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या फौरी इकदाम फिलहाल पाकिस्तान के अंदर करने की जरूरत है कि मुल्क तरक्की करना शुरू करे? पहला कदम क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, आखिरी कदम पॉपुलेशन मैनेजमेंट। इन दो के दरमियान बहुत कुछ करना जरूरी है, लेकिन इन दो के बगैर तमाम तर इकदामात सिफर समझें, गर्द जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुखी दिल के साथ ही पहला सवाल करूंगी, दुखी इसलिए होंगे, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो होना चाहिए था जाहिर है वहां पर हम नहीं है। बहुत कुछ ऐसा इस मुल्क ने हमें तो दिया है, लेकिन हम ऐसा लगता है चौधरी साहब के नहीं दे सके इस मुल्क को वो कुछ जो हमें देना चाहिए था। ओवरऑल 75 साल, क्या ये कामयाबी से हमकिनार हैं या फिर नाकामी से? आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे? हसन निसार साहब से मैं इस सिलसिले में पूछना चाहूँगा। हसन निसार साहब, इमरान खान साहब ने एक नए पाकिस्तान का जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया और कई लोगों ने यही समझा कि अब ये टर्न अराउंड जो है वो आने लगा है। मेरे ख्याल में तलत साहब उसी की तरफ इशारा कर रहे थे कि एक टर्न अराउंड आने की ज़रूरत है, लेकिन उस 25 साल का आगाज़ तो हो। सर, आप किस तरह देखते हैं? हमने पिछले 75 साल की तो बात की थी, लेकिन अगले 75 साल को आप किस तरह देखते हैं? बुनियादी और जौहरी तब्दीलियाँ न की गई तो बद से बदतर, जैसा 75 साल जैसे गुजरे हैं वैसे ही आइंदा गुजरेंगे। बात है इसकी बड़ी बड़ी। मेरा ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक वो हिस्सा जो सिविलियन ने रूल किया और एक वो हिस्सा जो फौजी डिक्टेटर्स जो हैं वो रूल करते रहे हैं, तो फिर आपके लिए ज़रा मुवाजना करना और उसको देखना ज़रा आसान हो जाएगा। अयूब खान के दौर से शुरू कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इसके बावजूद कि उन्होंने वो भी हैं, लेकिन मईशत के माहिर वही हैं। फरमाइए डॉक्टर साहब, आप ख़ास बात कुछ कहना चाहती हैं इस सिलसिले में तो फरमा दीजिए। जी देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कई किताबें भी लिखी हैं इन मौजुओं पे। बहुत भयानक नाकामी से, बहुत खौफनाक बदनामी से 75 साल में क्या तब्दीली आई है? ये इमरान खान की तब्दीली के नारे के पीछे लोग क्यों जरा चले हैं? इसलिए चले हैं कि वो तब्दीली मांग रहे हैं, 75 साल से तब्दीली मांग रहे हैं, और 75 साल से तब्दीली नहीं आई। इमरान खान ने आके अपनी एक बीन बजा दी तब्दीली की, जरा उस पर एम्फसाइज किया और एक उसके पीछे रेला आपको देखें पूरा चल पड़ा। तब्दीली क्या हुई? मैं ये मतलब है सोचता हूं, जब ये तब्दीली हुई कि 13 अगस्त 1947 को हमने एक झंडा जो उतर रहा, उन्होंने सियासत के ऊपर बहुत खौफनाक पाबंदियां लगाई। एब्डो उन्होंने इजाद किया, जितने सियासतदान थे उनके मुंह बंद किए, उनको इलेक्शन लड़ने से बाज किया और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए बेसिक डेमोक्रेसी का, और अपनी मर्जी से वहाँ लोग जो हैं वो उनका तकरर किया गया, उन्हें इलेक्ट कराया गया, और फिर 11-12 साल तक, 10 साल तो खैर मुकम्मल थे ही, 10 साल तक उन्होंने अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाया। उसके अंदर जहाँ सियासत और जमहूरियत की ऐसी तैसी हुई, एक काम जो है वो अच्छा हुआ, वो ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अयूब खान के दौर में हमें मैसर आया पाकिस्तान को, वो उसके बाद कोई दूसरा पैरेलल उसका नहीं है। ये हकीकत अगर बयान ना हम करें तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी, चाहे वो पाकिस्तान स्टील मिल है, चाहे वो कामरा रीबिल्ड फैक्ट्री है, चाहे वो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो त्रिबेला डैम है, चाहे वो रावल अपने त्रिबेला है, चाहे मंगला है। आप ज़रा तस्वूर कर लीजिए कि आज भी 75 साल के बाद अगर ये दो डैम ना होते तो हम कहाँ खड़े होते। ये अपनी जगह क्रेडिट जो है वो उनका है। उसके बाद हमारी जमहूरियत जो है वो सिसकती रही दिनों और हफ्तों के एतबार से, वज़ीर आज़म चेंज होते रहे और बिल आखिर 1969 में उन्होंने बुनियाद रखी। था शाम को उसको सलूट किया, वो था अंग्रेज का यूनियन जैक,
और दूसरे दिन झंडा पाकिस्तान का हो गया और उसको हमने सलूट किया। तो झंडे की तब्दीली से क्या तब्दीली आ गई? तब्दीली कोई लैंड रिफॉर्म्स हो गया इधर बहुत बड़े इनकलाबी के उससे तब्दीली आई हो? तब्दीली यहां आई नहीं। और यहां हर एक तब्दीली 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 की बात करता रहा कि ये ले आएंगे तब्दीली, मार्क्सिस्ट थे वो, इस्लामिस्ट थे वो, और हर कोई उसी पे इक्तफा किया जो पहले था। ये धरती दरअसल 5 या 6 लॉटरियों से मुदय्यन है, लॉटरियां। अब अगर लॉटरी से आपको दौलत मिल जाए तो उसके लिए आप कोई कश्मकश नहीं करते, ना आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कश्मकश करना। पहली लॉटरी निकली इस धरती पे जब अंग्रेज ने नहरें खोदी, नहरें खोदी, नहरों का जाल बिछा दिया बड़ी बड़ी, और नई जमीन जेरे आब आई। अब जब लाखों एकड़ और लाखों मुरब्बा जमीन वो नई नई काबिले काश्त हुई तो उसमें लोगों को बसाया गया। वो मशरकी पंजाब से बहुत सारे आए, बहुत सारे मकामी थे पंजाब में, सिंध में, जहां ये नहरों का जाल ज्यादा फैला। और उसमें क्या क्राइटेरिया क्या था कि एक साहब ने 1947 में वो अलहदा हुए कैबिनेट से अयूब खान की, और भुट्टो साहब ने बुनियाद रखी पीपल्स पार्टी की। बड़े बड़े स्टॉलवर्ट नाम के लोग उनके साथ थे, डॉक्टर मुबशर हुसैन, शेख रशीद जिसे बाबा सोशलिज्म भी कहा जाता है, जे रहीम। आप उस दौर के लोगों को रिकॉल करके देखें, आपको पता चलेगा क्या सीन और क्या कॉम्पिटेंट टीम भुट्टो साहब के साथ थी। और यही वजह कि ये टीम वो कर पाई जो इससे पहले के 20-22 साल में नहीं हुआ था, और वो ये कि पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैसर आया। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भुट्टो साहब की बहुत बड़ी, यानी आप समझते हैं अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी। और दूसरा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखना, ये भुट्टो साहब का एक सुनहरी दौर आप इसको करार दे सकते हैं, इस एतबार से कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये जो दो काम किए इसका भी कोई पैरेलल आपको हिस्ट्री में फिर नहीं मिलता है। उसके बाद तो लोगों ने, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर थे चाहे वो सिविलियन थे, उन्होंने इस आइन का बिगाड़ के हुलिया जो बना दिया है, अब मुझे तो इसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कहते हुए शर्म आती है। और मुझे उस पर भी बहुत शर्म आई थी जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसके अंदर कोई 166 के करीब अमेंडमेंट करके कहा था कि हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहाल कर दिया है। एनीवे, उसके बाद आप आ जाइए ज़ियाउल हक का दौर जो है, उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हैंग किया, कसूर उसका कुछ नहीं था, ये सारी दुनिया को पता है। उस तारीखी फैसले को पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह तरीन फैसला करार दिया गया। पूरी दुनिया में उसके हवाले से जो बातें हुई वो तो अपनी जगह है, लेकिन जिन जजेस ने वो फैसला किया था उन्होंने भी बाद में कौम से भी माफ़ियाँ मांगी। और आज भी वो ऐसा फैसला है जो पाकिस्तान की किसी अदालत में कोर्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, फिर उसके बाद आ जाता है यानी पीपल्स पार्टी का दौर, फिर दोबारा आता है, नवाज शरीफ साहब का दौर आता है। 3 दफ़ा वो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 दफ़ा मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर रही, 3री दफ़ा भी उन्होंने बन जाना था, लेकिन स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ जो है वो हमें मैसर नहीं आई। और बीच में आप आ जाएं जनरल मुशर्रफ का दौर, उस दौर में भी जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अदलिया की तस्दीक हुई, अदलिया की बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई। मिसाल के तौर पे मेरी जो किताब है द राइज एंड फॉल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इन पाकिस्तान, उसमें भी मैंने जो उसका प्रीफेस लिखा है उसमें मैंने कंक्लूड यही किया है कि पाकिस्तान का जो असल मसला है वो इक्तसादी नहीं है, असल मसला हमारा पोलिटिको सोशल है। हमारे पास बहुत वसाइल हैं, हम बहुत दौलतमंद मुल्क हैं, मगर हमारे पास मैन पावर भी बहुत है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं और टैलेंट है, हमारे पास टैलेंट भी है, मेहनत है, और पढ़े लिखे लोग भी हैं और मुहिब वतन लोग भी हैं, और हमारे पास बहुत कुदरती वसाइल भी हैं। हमारा मसला इक्तसादी नहीं है, हमारा मसला पोलिटिको सोशल है। और वो मसला ये है, आप इसे उर्दू में कैसे समझाएंगे कि जो पोलिटिको सोशल तो आम आदमी नहीं समझेगा ना? मैं बता रही हूँ, मुझे मौका दे तो मैं बता दूंगी। देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारा मसला जो है वो ये है कि हम
ऐसे लोगों को हम ऊपर आने नहीं देते हैं जो पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं, जो काबिल हैं और ईमानदार हैं। हमने एक अपना रूलिंग क्लीक बनाया हुआ है, हम उन लोगों को ऊपर लाते हैं जिनके अमेरिका और बरतानिया से रवाबित हैं। देखिए अमेरिका किस तरह दुनिया को हुक्मरानी करता है, अमेरिका इस तरह करता है कि उसने अपने पेड लोग जिनको वो तनख्वाहें देता है, तनख्वाहदार, उनको तरक्की पजीर मुल्कों में उनको हुक्मरानी दे देता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा हसन निसार ने किस तरह से पाकिस्तानियों को आंखें खोल दिया है। हसन निसार ने कहा यदि अब पॉपुलेशन पर रोक ना लगाई तो अगले 75 साल भी पाकिस्तान के बद से बदतर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मौलाना और मौलवी ये सलाह देते हैं लोगों को कि बच्चों की संख्या कम करने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा, जिससे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें जिससे इस्लाम पूरी दुनिया में फैला दिया जाए और मुल्क बेकारी बन गया पाकिस्तान का जनसंख्या बढ़ाते बढ़ाते। ना जनसंख्या बढ़ने से ना लोगों को अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना अच्छे रोजगार के अवसर, और मुल्क तबाही की ओर चला जाता। हसन निसार ने सीधा सीधा पैगाम दिया है अगर नहीं सुधरे तो अगले 75 साल भी ऐसे ही भीख के टुकड़ों पर मुल्क चलाओगे। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।